जलंधर लोकसभा की बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को घोषित भी कर दिया है। हमारे प्रत्याशी इंदर इकबाल सिंह अटवाल चुनाव लड़ेंगे। 18 तारीख को वो अपना पर्चा डालेंगे, नामांकन पत्र देंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ेगी और हमें उम्मीद है कि जलंधर लोकसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जंगी वोटों से जिताएगी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जलंधर से दिल्ली जाएंगे, क्योंकि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास और डेवलपमेंट का एक ही मुद्दा को ध्यान में रखते हुए पिछले 9 साल से काम कर रही है। गरीब तबके को लेकर, गरीब पीड़ित शोषित से लेकर विश्व में मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की है और पूरे देश में जनता का भरोसा मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी बढ़ा भी है। अनेक राज्यों के चुनाव उपचुनाव हम भारे वोटों से जीते हैं। इसका संदेश यही है कि देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से संतुष्ट है और खुश भी है। पिछले 9 साल से जलंधर में कांग्रेस के सांसद रहे, 9 साल में कुछ नहीं हुआ है जलंधर में, और जलंधर की जनता भी जानती है कि पिछले 9 साल से कांग्रेस को वोट दिया लेकिन जलंधर की जनता के जो अपेक्षा थी, उनका जो सपना था, उसमें कुछ नहीं हुआ है। और एक ओपोजिशन के एमपी बनते हुए कोई लाभ जलंधर को नहीं मिला है। कई सारे प्रश्न पेंडिंग भी है और जलंधर का विकास भी रुक गया है। भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि 9 साल में कुछ नहीं हुआ, वो 9 महीने में हमारे प्रत्याशी जीत कर जाएंगे। वो 9 महीने में जलंधर की जनता का जो अपेक्षा आकांक्षा है, जो प्रश्न पेंडिंग है, वो हम पूरा करेंगे। 9 साल में कुछ नहीं हुआ है, 9 महीना में हम करेंगे। हमारी सरकार है वहां और इससे जलंधर की जनता को लाभ मिलेगा। दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी के जो उन्होंने वादा दिया था 22 की चुनाव में, पूरे पंजाब की जनता ने उनको बहुत प्रेम वोट काफी दिया, 2/3 से ज्यादा बहुमत भी दिया, लेकिन लोगों को ठगाई है और आम आदमी पार्टी ने कोई वादा पूरा नहीं किया है। जनता में काफी रोष भी है, जनता का मोह भंग हो गया है, जो बदलाव के कारण मोह में आकर आम आदमी पार्टी को वोट दिए थे, आज पूरी जनता पंजाब की उसका मोह भंग भी हो गया है। और उनको सबक सिखाने के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण बना है और जलंधर की जनता आम आदमी पार्टी को, उनकी सरकार को सबक भी दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। आप सब जानते हैं कि पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत बिगड़ी हुई है और कोई भी राज्य और कोई भी राष्ट्र कानून व्यवस्था के बिना विकास नहीं कर सकती। जहां कानून व्यवस्था बिगड़ती है वहां विकास रुक जाता है, क्योंकि लोग डरते हैं,
क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फोन आ जाएगा, बताएंगे कितना लाख रुपया दे दो वरना आपका काम हम रुकवा देंगे, हम आपका प्रोजेक्ट रुकवा देंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, शिकायत कहाँ करे, तो पूरा विकास ठप हो जाता है, नया डेवलपमेंट नहीं होता है। पहली शर्त होती है डेवलपमेंट की, कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, और उसका उत्तम उदाहरण है यूपी। यूपी में आज कानून व्यवस्था जिस तरीके से योगी जी की सरकार भाजपा की सरकार कर रही है, और उसके ही कारण आज यूपी में बड़े बड़े उद्योग भी आ गए हैं, विकास भी हो रहा है और यूपी आगे बढ़ रहा है। तो मैं कई बार पंजाब आया हूँ, जलंधर के लोगों से मिला हूँ, बाकी लोगों से मिला हूँ, आज जनता में वो भी चर्चा हो रही है कि हमारे यहाँ भी यूपी जैसा कानून व्यवस्था होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि योगी जी जिस तरीके से कानून व्यवस्था चला रहे हैं, योगी जी ने बताया था वहाँ कि यूपी के गुंडा यूपी छोड़ दे वरना उनको दुनिया से छुड़वा देंगे, और वही रास्ते पर वो काम कर रहे हैं। तो आज यूपी में गुंडागर्दी बंद हो गई है, पुलिस का भी मोरल बढ़ा है और कानून व्यवस्था ठीक हुई है, और आज पंजाब की जनता भी वही कानून व्यवस्था चाहते हैं। तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मजबूत नेतृत्व में वही हो सके हो सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था के नाम पर ही वो मुद्दा भी चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, और जनता, जलंधर की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारेगी। वैसे भी जलंधर के आम आदमी पार्टी के नेता विधायक भ्रष्टाचार की काफी शिकायतें आ रही है, लोग त्रस्त है, और भाजपा मोदी जी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग शुरू किया है पंजाब में भी और जलंधर में भी, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जंग जारी रहेगा, और हमारे एमपी अगर यहाँ से चुनकर जाएंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो भी काम करेंगे। ये सारी बात आपके माध्यम से जलंधर लोकसभा की जनता को, वोटर्स को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जनता में, कार्यकर्ता में, लोगों में जो विश्वास बढ़ा है, उत्साह है, तो इसके कारण भारतीय जनता पार्टी इस बार अकेले ही चुनाव लड़ रही है, और हम अपने दम पर, अपने पैरों पर ये चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। कोई धुरंधर लीडर नहीं गए भाई, एक कल गया तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पानी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री का आरोप है, उनको सीबीआई ने बुलाया, वो कहते कि भाजपा जो है राजनीति कर रही, कैसे देख रहे हैं चीज को? देखिए, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि ये पूरा जो शराब की परमिशन का जो भ्रष्टाचार का मामला है, और सीबीआई और बाकी कानूनी व्यवस्था में जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको लगा होगा तो नोटिस दिया होगा। अच्छा तो ये है कि वो सहायता करे, जांच के में मदद करे और उसका जवाब दे। सर, ड्रग्स मामले में एसआईटी की रिपोर्ट खुल चुकी है, भगवंत मान ने दावा किया था कि जैसे रिपोर्ट खुलती है मैं एक्शन लूंगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा देखने को मिला। तो वो तो मैंने बताया ना कि कानून व्यवस्था और उसके बारे में टोटल फेल्योर है सरकार, और जनता पंजाब की त्रस्त है, और उसके कारण ही उनको ये झटका देने के लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण बनेगा। And was later convicted in the case Pravin Patel or Patnias. He was there around you and in the presence of, and when you called on Mr. Amit Shah, he was there. What's your explanation for that? Dekhiye, हम तो जानते ही नहीं कौन है वो, कौन था, बाद में पता चला कि ये ऐसे मामले में थे।
भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन अटवाल जी को ज्वाइन किया उस दिन 5 लोगों की पर्ची हमने निकाली थी जिनको ज्वाइन करवाया, उसमें उसका नाम नहीं है, नंबर वन। दूसरा, बहुत लोग आए थे वहां तो उसमें वो आ गए होंगे। हेलो, सब लोग आए थे, बहुत लोग आए थे, सब लोग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे थे। अब दिल्ली से जर्नलिस्ट को बताइए, देखिए स्टेज पे नहीं थे। देखिए एक मिनट, मेरा सब लोग आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, सब लोग बैठे थे, मंच पर नहीं थे वो। मंच पर तो उसमें से 2-3 लोग ही थे। दूसरा, उस वक्त पर्ची फाड़ी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया, उसको ज्वाइन नहीं करवाया है, उसकी पर्ची नहीं निकाली है, नंबर दो। फिर वो नड्डा जी के घर पे गए जहाँ अमित शाह जी और नड्डा जी के उनको आशीर्वाद लेना था अटवाल जी को, तो हम लोग गए थे। वहाँ भी सब लोग आ गए थे, बहुत लोग आए थे, बाहर थे, वो अंदर आ गया होगा। इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है और उनको कोई भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन नहीं करवाई है। बट देयर हैज बीन नो एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट। मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ना, उसको पार्टी ने ज्वाइन नहीं करवाया है, उसको उसकी पर्ची भी नहीं निकाली है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कैंडिडेट लेके आई है और बीजेपी ने अकाली दल का कैंडिडेट उठाया है। देखिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है। उसको साथ कौन लेके गया भाई? वो पता नहीं, उसको लेके आया होगा। आप बता रहे कुछ, आपके पास अपना कोई कार्यकर्ता नहीं था, आप भी अकाली दल से लेके आए चुनाव लड़ने के लिए, जैसे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का उठाया, आपने अकाली दल का उठा लिया। देखिए, हमने कोई उठाया नहीं है। पंजाब में पिछले कई दिनों से सभी पार्टियों में से अच्छे अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले दिन में भी काफी लोग ज्वाइन करेंगे, आपको मैं बता रहा हूं। क्योंकि अब पूरी पंजाब की मूड बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब को आगे बढ़ाएंगे, पंजाब को मजबूत करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में यही शक्य होगा, मोदी है तो ही मुमकिन है। तो इसके कारण पूरा इसके कारण सभी पार्टियों में से अच्छे अच्छे लोग हमारी पार्टी ज्वाइन कर रही है। अटवाल जी, बड़े अटवाल जी एक शेड्यूल कास्ट लीडर, अच्छे लीडर है, उन्होंने काफ़ी पिछड़े हुए वर्गों के लिए काम किया है और ये शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन सीट थी और सब हमारी पार्टी के लोगों का एक मत बना है कि उनको लड़ाएंगे तो उनकी स्वच्छ और अच्छी प्रतिभा है तो उसको जनता में अच्छा मैसेज भी जाएगा और एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ और जुड़ेंगे। हम लोग तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यही मंत्र के आधार पर उनको ज्वाइन करवाया, उनको लड़ा रहे हैं। ऐसा है कि पंजाब नाल संबंधित गल पुछी थी सीधी, उन्हां दा काम पोस्टरां ते बोलदा है, बस स्टैंड दे बाहर बोलदा है, बोर्डां दे अंदर, और एक साल तो किसी भी पंजाबी ने यह महसूस भी नहीं किया कि सरकार नाल दी कोई चीज़ है। सरकारां महसूस होंदियां, सरकारां दिखदियां, ये ना महसूस होंदे ने ना दिखदे ने, अगर दिखणगे तो पोस्टरां दिखदे ने। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ये लोग अगर कोई सच कोई मीडिया वाला सामने लिया आवाज कुचलना इन्हों की प्रवृत्ति बन रही है, चाहे वह किसी भी अखबार का मामला है, चाहे राजपुरा के एक पत्रकार ने लगाया थी उद्दे परचा करता। इस करके ये लोकतंत्र की दुहाई पाते हैं पर लोकतंत्र के अंदर इन्हों का कोई विश्वास नहीं। एक प्रश्न आया कि मैं उन्होंने जरूर पहला पूछा कि जरा केजरीवाल अगर नोटिस आता है तो वह राजनीति है, पंजाब दे अगर पूरे मुख्यमंत्री नूं बुलाया जाता है तो वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, यही रवैया ना कि जो ये कहेंगे वह सच है। अगर वह कार्रवाई कोई दूसरी स्टेट के उत्ते इन्हां ते हुंदी है, और एक गरंटी नाल मैं कह दिंदा, यह जिहड़ी लीकर पॉलिसी है दिल्ली वाली, यह अजे तो दिल्ली तक इहदी आंच है, पंजाब च भी इन्होंने उही खेल खेलिया जिहड़ा दिल्ली च खेलिया होया।
और एदी आंच पंजाब च आनी है उसले कई चेहरे होर भी बेनकाब होने हैं। इन्होंने पंजाब के अंदर नशा मुक्ति की जगह घर घर जिदा दारू का जो हाल किया है उसका जवाब लोगों ने मंगना इन्होंने को। मैंने बताया ना मुद्दा विकास एक ही एजेंडा हमारा जलंधर का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी को जिताना है। कि आपने करप्शन के खिलाफ बोला कि दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम को हमने कार्रवाई की, जलंधर में स्मार्ट सिटी में 1,000 करोड़ रुपए में घोटाला हुआ, आपके लोकल नेताओं ने बहुत उठाया, आपके सेक्टर जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा काम करवाएंगे, यहाँ विजिलेंस जांच शुरू हुई सब बंद हो गया, पीछे कांग्रेसी एमएलओ पे और आप एमएलओ पे तो इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जिस दिन अभी चुनाव की शुरुआत की है पहले ही ये प्रश्न उठाया है कि जिहड़ा लगभग 900 करोड़ तो ऊपर का पैसा स्मार्ट सिटी के तहत आया है, क्या ये प्रश्न जिहड़े एमपी रहे ने उन्होंने दे सामने समाज को खड़ा नहीं करना चाहिए कि मोदी साहब ने जलंधर नू स्मार्ट सिटी बनाने लिए 900 करोड़ तो ऊपर पैसा भेजा, एक एमपी के नाते जिहड़ा पैसा केंद्र दे आधा आया वो लगे, अज वह कोई भी पैसा दिख नहीं रहा, 900 करोड़ रुपया कितने नहीं दिख रहा कि जलंधर के अंदर लगे और मेरा जवाब ही जवाब फिर काउंटर कर रहा। इस करके भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव च एजेंडा है कि जेड़ा पैसा 900 करोड़ तो उपर इत्थे स्मार्ट सिटी बनाने नू आया जिन्हा जिन्हा लोगों ने कुर्द बुर्द किया पूरी तरह नाल उन्हां भ्रष्टाचारी लोगों नू बेनकाब बीजेपी करेगी, ये साडा जलंधर शहर के लिए मुख्य मुद्दा है। मर्यादा है फेडरल सेक्टर जो आड़े आंदा है ये पैसा आंदा केंद्र वालों है लेकिन एदा इंप्लीमेंटेशन जिहड़ी है स्टेट गवर्नमेंट करती है और जदों असीं इनक्वायरी की गल करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उहदे आड़े आती है लेकिन उहदा रस्ता कढ़ांगे, लेकिन लोगों का जिहड़ा 900 करोड़ रुपया आया उहदा पूरा हिसाब लवां। शर्मा जी जिहड़े चैनल बंद होए आ पंजाब दे विच, पंजाब सरकार कोल इन्नी पावर हैगी है कि पूरे इंडिया दे विच चैनल बैन कर सके? खिलाफ प्रश्न खड़े करेगा इन्हां कोलों इन्हां दी कमिटमेंट दे बारे पुछेगा कि जदों तुसीं वोटां लईआं सी उस वेले तुसीं जिहड़े कमिटमेंट भैणां नाल कीती है 1000 रुपए दी उहदी गल करेगा, किसानां दी एमएसपी तुसीं देण दी उदों ही करेगा। जिस पार्टी की उत्पत्ति झूठ तो हुई झूठ तो पैदा हुई पार्टी से तुम की तवक्को करते हो? झूठ बोलना उन्होंने स्वभाव का हिस्सा है, उन्होंने चीफ तो लैके उन्होंने जन्म ही झूठ तो है, इस करके बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्टी को और हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी और आगे बढ़ रही है, नए नगे लोग छोड़ते ही रहते हैं हम। सर जिहड़े पंजाब दे विच चैनल बंद हो रहे ने उहनां दे उत्ते केंद्र जिद्दां कह रहे ने जांच करवाऊगा, केंद्र जांच करवाऊगा चैनलां दे नाल जिहड़ा होगा, जिहड़े कह रहे ने कि नजायज चैनल बंद होणे होगे, सर उन्होंने बहुत बहुत बंद कर रहे हो, आज नहीं बुलाया कार्यक्रम में गए देखिए आज की प्रेस के कैंडिडेट घोषित होने से पहले जो मेरा कार्यक्रम बन गया था उसमें आज की प्रेस इस समय रखी थी, प्रत्याशी अपना अपना कार्यक्रम के कारण वो अलग अलग जगह गया है,
इसलिए आज के प्रेस में उपस्थित थी। कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में लोग जो है आज मोदी के साथ है, वोटर्स भी मोदी के साथ है, उससे कोई फर्क नहीं। उसके फादर भी बीजेपी के साथ है। ये दिल्ली से राजनीति द्वेष आई कहना नहीं है, तो एक सवाल का जवाब आ रहा है, तीन सवाल कितना जवाब देंगे, एक सवाल की रिप्लाई आ रहा है। अमृतपाल का जो इशू है वो बहुत गंभीर बना हुआ है पंजाब में, और उसमें कम्युनिटी टकराव भी हो सकता है, तो उन पे एनएसए लगाया गया उनका, ठीक है।